देवानां च ऋषीणां गुरूणां कञ्चन सन्निभां बुद्धिं भूतं त्रिलोकेशां तं नमामि बृहस्पतिं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। जी हाँ मित्रों, हम लोग करते हैं व्रत, करते हैं भगवान के सुंदर अनुष्ठान, परंतु उन व्रतों के द्वारा जब हम करते हैं भगवान को प्रसन्न, जिस देवता का हम कर रहे हैं व्रत पूजन, उस दिन हमको क्या नहीं करना चाहिए, यही आज हम जानते हैं। बहुत से लोग करते हैं गुरुवार को व्रत, भगवान बृहस्पति का पूजन, परंतु शायद उनको पता नहीं है कि उनको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, देखेंगे कि कौन कौन से कार्य उनको नहीं करने हैं। जो व्रत करते हैं उनको, या जिनके घर में भी कोई व्रत रहता है उनको भी ये काम नहीं करने चाहिए। मित्रों, खास तौर पर हम आपको बताएं कि भगवान बृहस्पति, जिस दिन बृहस्पति का व्रत रखा जाए उस दिन खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि खिचड़ी भगवान शनि से संबंध रखती है। शनिवार को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए भगवान शनि को, तो इस दिन खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, गुरुवार को काले तिल या काली वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। काली वस्तु जैसे कपड़े हैं काले, उनको धारण नहीं करना चाहिए। जैसे तिल इत्यादि हैं, इनका प्रयोग बृहस्पतिवार को नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। मित्रों, इसके साथ साथ सरसों के तेल का भी प्रयोग वीरवार के दिन नहीं करना चाहिए। सब्जी यदि बनानी है तो उस दिन थोड़ा सा घी से भी बना सकते हैं छौंक करके, बृहस्पतिवार के दिन तेल का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मित्रों, लहसुन प्याज इत्यादि ये सब तामसी हैं, इनका भी प्रयोग गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर तामस उत्पन्न होगा और उस घर के व्यक्तियों को भी नहीं खाना चाहिए जिनके यहाँ पर कोई व्रत इत्यादि है। और इसके साथ साथ मित्रों, करना ये है कि झाड़ू यदि आपकी बेकार हो गई है, टूट गई है, तो झाड़ू को भी बाजार से उस दिन नहीं लाना चाहिए। प्रयास ये करें कि झाड़ू भी हम खरीद करके बाहर से उस दिन न लाएं। या झाड़ू हमारी खुल गई है तो उसको उस दिन गूंथना भी नहीं चाहिए, बांधना नहीं चाहिए झाड़ू को। इससे क्या होता है कि बृहस्पति का दोष लगता है, आपने जो व्रत पूजन किया है उससे थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। मित्रों, इसके साथ साथ कबाड़ भी न बेचें। जैसे बहुत से लोग होते ना, कहते कबाड़ बेचना है, रद्दी बेच दी, कबाड़ बेच दिया, तो बृहस्पतिवार के दिन प्रयास ये करें कि रद्दी और कबाड़ को न बेचें, उस दिन थोड़ा सा संभाल करके रखें। मित्रों, बहुत से लोगों को देखा गया है कि शादी विवाह में भी दिक्कतें होती हैं, और तो उनको बृहस्पति का जब व्रत करें तो इन्हीं नियमों का जरूर पालन करें। और मित्रों, इसके साथ साथ बहुत से लोग शादी विवाह फंक्शन में जाते हैं, गहने पहन करके जाते हैं, रात्रि में जब आते हैं तो बहुत जल्दी उन गहनों को उतारते हैं। प्रयास ये करें कि अगर उस दिन बृहस्पतिवार है और आप गहने पहन करके गए हैं, तो प्रयास ये करें कि आ करके बृहस्पतिवार को अपने शरीर से उन गहनों को अलग न करें, इससे आपको हानि होगी और आपको लाभ कम होगा, क्योंकि बृहस्पति और धातु जो सोना है ये दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं। मित्रों, व्रती को कंघी भी नहीं करना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, साबुन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और यदि आप धोबी के यहाँ अपने कपड़ों को प्रश कराने के लिए देते हैं तो वीरवार को इस काम को भी न करें। वीरवार को अपने कपड़े धोबी के यहाँ प्रेस कराने के लिए मत दें, स्वतः भी साबुन का प्रयोग न करें, तेल का प्रयोग न करें, घर के पुरुष दाढ़ी इत्यादि न बनावें। यदि ऐसा करते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा, और ऐसा नहीं करते हैं, इन नियमों को पालन करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसी के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।